हेलो स्टूडेंट, मैं एसन प्रजापति डिम क्लासेस के एक नए वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 बहुविकल्पी है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखेंगे यह क्या है, परवलय है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और क्या है y अक्ष एवं रेखा y = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एवं रेखा क्या है? y = 3, यह रेखा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऑप्शन ए। अच्छा, इसमें ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन जरा देखें। ऑप्शन ए क्या है? 2। ऑप्शन बी 9/4। ऑप्शन सी 9/3। और ऑप्शन डी 9/2। इस तरह से दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह एक परवलय है, और परवलय का जब हम लोग फिगर बनाएंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, देखेंगे इस तरह से बनेगा y² = 4x। और कह रहे हैं रेखा y = 3। y = 3 का मतलब x अक्ष के समांतर एक रेखा, यह है y = 3, और यह परवलय है y² = 4x। यहाँ पर जरा देखें, यह y² = 4x और यह रेखा, तो यहाँ पर यह y = 3 है, तो इसलिए इसका क्वाड्रेंट बनेगा 0,3। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट ए है, यह x, x' y, y' एंड दिस इज ओरिजिन एंड इट्स क्वाड्रेंट विल बी 0,0। तो हमको क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि वक्र y अक्ष और रेखा x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी यह क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर करेंगे क्या, हम जरा देखें, सपोज कर लेते हैं यह क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, तो अभीष्ट, जरा देखें यहाँ पर अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्र लिख दें ओ ए, इस पॉइंट को ले लेते हैं बी, इस पर एक पॉइंट ले लेते हैं सी, तो ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ का क्षेत्रफल कैपिटल ए इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम, क्या देखें, 0 to 3, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स डी वाई। क्यों? क्योंकि यह वक्र जो हम लोग ले रहे हैं वह वाई एच के अनुदिश ले रहे हैं, तो यहाँ पर वाई एच पर यह कहाँ पर काट रहा है, 0 पर, यहाँ पर यह रेखा वाई एच को 3 पर काट रहा है, मतलब इस वक्र से और वाई एच से और इस रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 एक्स टी वाई। यहाँ पर एक्स की वैल्यू वाई के पदों में रखेंगे, यहाँ से जरा रखेंगे एक्स इक्वल टू जब वाई स्क्वायर बाई 4, तो इस तरह से यह क्षेत्रफल बन जाएगा 0 to 3, x का मान y के पदों में रखेंगे y² / 4 dy, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो y³/12 0 to 3, तो ये इक्वल टू y की जगह जब वैल्यू रख देंगे तो 3 cube / 12 - 0, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, देखेंगे 27/12, और ए कोड जब 3 से काट देंगे तो 9/4 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बी दिया हुआ है 9/4। तो इस तरह से क्वेश्चन 13 हम लोग लगा सकते हैं।